आज हम बना रहे हैं कटहल की सब्जी, सूखी सब्जी कटहल की। और कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 800 ग्राम कटहल, 2 प्याज, और मसालों में लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 लंबी कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ग्रेट किया हुआ अदरक 1 चम्मच, 3/4 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, नमक मैंने 1 चम्मच लिया है, स्वादानुसार लें नमक, 2 पिंच हींग, 3/4 कप के करीब टोमेटो प्यूरी लिए। अब हम सबसे पहले कटहल को फ्राई करेंगे। यह मैंने एक लोहे की कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने सरसों का तेल डाला है इसमें आधा कप। धुआं निकलने तक गर्म कर लेंगे सरसों के तेल को, जिससे कि उसकी कच्चेपन की स्मेल निकल जाए। उसके बाद थोड़ा ठंडा करके फिर हम फ्राई करेंगे कटहल। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया, फिर गैस को हम कम कर देंगे और वो हम कटहल डालेंगे इसमें। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे हम कटहल में, जिससे कि ये पक जाए थोड़ा सा। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे। कटहल काटते हुए हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है, या तो कटहल को कटवा कर ही खरीदे या और नहीं तो ब्लाउज पहनकर या फिर सरसों का तेल लगाकर हाथों से सब काटे इसको। हम अच्छी तरह से भुनने देंगे इसको। हम इसको 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भूनते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा फ्राई होने लगा कटहल, थोड़ा थोड़ा इसका कलर भी चेंज होने लगे। कटहल हमारा तल गया है अच्छी तरह से, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये ऑयल बच गया, इसमें हम प्याज डाल देंगे। पहले मैं जीरा डाल दूंगी इसमें। मैंने 3 बड़े प्याज डाले हैं इसमें। प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अदरक भी डाल देंगे इसमें, हरी मिर्च, 1 पिंच चीनी, और ये धनिया और हल्दी, लाल मिर्च। प्याज और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले और प्याज हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसमें ये टमाटो प्यूरी डालते हैं। डालो टमाटर जैसे मर्जी डाल सकते हैं, छोटे छोटे काट के भी डाले जा सकते हैं टमाटर इसमें। मेरे पास प्यूरी थी तो मैंने प्यूरी डाल दी। अब इन सब चीज़ों को थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक कि मसाला और तेल अलग नहीं हो जाता। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसके अंदर। ये भी तैयार हो गया हमारा मसाला, अब हम कटहल मिक्स कर देंगे इसमें। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए और गैस को सिम पे कर देंगे। कटहल को पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए हमें दबा दबा के इसको देखते रहेंगे हम पक गया कि नहीं पक गया। कटहल लगभग तैयार हो चुका है हमारा, और 2-3 मिनट अभी हम और पकाएंगे इसको। और 12 मिनट हमें फ्राई करने में लगे थे कटहल को। गरम मसाला भी डाल देंगे हम इसमें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, मिक्स कर देंगे अच्छे से। क्योंकि सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं अगर तो बहुत अच्छी बनती है। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने से हमें बहुत सारा आयरन भी मिलता है,
काफ़ी टेस्टी भी बनती है और देखने में भी अच्छी लगती है। कटहल हमारा तैयार हो गया और मैं गैस को बंद कर दूँगी। और ये हमारी कटहल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।